रुको बदमाश, कहाँ जा रहे हो? रुको, ये तो गलत है। गलत का क्या मतलब है? अरे ये चीटिंग कर रहा है। सवाल ही नहीं है, वो कभी चीटिंग नहीं करता, और वैसे भी तुम उससे बड़े हो। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा मतलब ताकत? हाँ जरूर, तुम्हें पसंद? हाँ हाँ, तुम्हारी ताकत ही तो मुझे पसंद है। यहाँ आओ। डैड, तुम कितने गंदे हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट, प्राइस का फोन है, मैं भी आया। क्या हो रहा है प्राइस? हाय, तुम बताओ, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो? हाँ। अच्छा, संडे को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है। मुझे ये काम करना है और हमें ही करना है। एक मिनट, अपने एक अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ नई खबर आई है, लेकिन हमें बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अच्छा तो कल सुबह ठीक रहेगा? ओके, कल ठीक रहेगा। ठीक है, अपने बच्चों को मेरा हाय बोलना। हाँ जरूर। चलो फिर बाय, मिलते हैं। बाय। हेलो डियर। अच्छा सब बराबर है ना? हाँ। या थैंक यू, हम शुरू कर सकते हैं? ओके रेडी। मेरे अमेरिका के वासियों, आज अमेरिका में किसी टीचर ने एक छात्र के साथ ज्यादा समय बिताकर अमेरिका को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना सहयोग दिया जो आज से 3 दशकों तक पहले कभी हमने हासिल नहीं की थी। किसी उद्यमी ने अपनी उच्च तकनीकी व्यवसाय को शुरू करके अपना सहयोग निभाते हुए लाखों लोगों को नई नौकरियां दी जो कि अमेरिकन उद्योगपतियों ने पिछले 4 सालों में शुरू की है। किसी गाड़ी बनाने वाले ने कुछ ऐसी बढ़िया और कम ईंधन से चलने वाली गाड़ी बनाई है जिससे अमेरिका को विदेशों से पेट्रोल लेने की निर्भरता कम हो जाएगी। अब अमेरिका के उच्च उद्योगों के आविष्कारी पूरी दुनिया को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएंगे। अब शपथ ग्रहण करने वाले नेताओं का समय आ गया है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, कि वो भी मुझे बहुत भूख लगी है। चलें। कोल्ड वॉर के समय से ही हमारी सरकार ने एक ऐसा कार्य दल बनाया था जिसकी ये कुछ करके दिखाएगा कि वो अमेरिकी लोगों पर निगरानी रख सके। कई दशकों से उन्होंने हम पर निगरानी रखी। अगर इसे टाइम मिलेगा तो तुम निराशावादी हो? नहीं, मैं यथार्थवादी हूँ। 4 साल बहुत लंबा समय नहीं होता। पता है लोगों को बड़े बड़े वादे बहुत अच्छे लगते हैं। खतरा नहीं जिसकी वजह से अमेरिकी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो, जबकि अमेरिकी संविधान में इस बारे में कोई सीधा उल्लेख नहीं है। जो वादों की बात चली तो तुम्हारा मुझ पर कुछ उधार है ना? शायद। और वसूल कौन कर रहा है? ठीक है, ठीक है जान। और वैसे भी नहीं 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 नहीं, चलो भी, वो ये सब किससे सीखता है? संशोधन की वजह से कीमतों में समस्या हो सकती है। अरे क्या, जाओ उसे ऊपर जाकर नहलाओ। ठीक है। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें देख रहा हूँ। कचरा भी फेंक देना। नहीं। हाँ। अमेरिकी लोगों के निजी जीवन में इस तरह की घुसपैठ का कोई बहाना नहीं चलेगा, भले ही वो NSA, FBI, CIA या और कोई भी खास खुफिया कार्यदल द्वारा की गई हो। मेरे अमेरिकी देशवासियों, मैं लगातार इस ओर काम करूंगा ताकि अमेरिकी लोगों का निजी जीवन बना रहे और अमेरिकी लोगों पर जांच और निगरानी हटाई जाए, ताकि हम सब अपने घरों में, अपनी गलियों में और अपने व्यवसाय में सुरक्षित महसूस करें। मेरे अमेरिकी देशवासियों, आज रात मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड ब्लेस अमेरिका। ओह,
आराम से बच्चे, मेरे ख्याल से तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बिल्कुल नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ आ जाओ मेरी नन्नी जान, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। ठीक है चलो ओढ़ लो इसे। मेरे नन्हे से बंदर, तुम काफी थक गए हो। पर डैड, मैं अभी तक थका नहीं हूँ। अच्छा एक बात सुनो, अगर अपनी माँ को नहीं बताओगे तो तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाता हूँ। ओके? पक्का वादा? एकदम पक्का वादा। पता है ना ये सच होता है। एक मिनट रुको, एक और चैप्टर। ठीक है ये वाला अच्छा है। मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था जब मैंने कहा था कि तुम मुझे मिट्टी में मेरी गर्दन तक दफना सकते हो। सो जाओ। मैं लाइट बंद कर रहा हूं। तुम्हें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस कचरे को फेंकने की बात कर रही थी। हाँ उसे बैग में डालो।
जॉन, 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 उसकी बीवी को लेके आओ। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। मैं जाकर बच्चों को लाता हूँ। कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। देखो, तुम्हारे सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे जाने दो। तुम हमें सब सच बता दो, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाम स्टीवन व्हाइट है और तुम एक जासूस हो। मेरा नाम जॉन नाइल्स है और मैं सिर्फ बीमा बेचता हूँ। फिर झूठ बोल रहा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अपनी बकवास बंद करो। क्या जानते हो ऑपरेशन जैकनाइफ के बारे में? मैं कुछ नहीं जानता ऑपरेशन जैकनाइफ के बारे में। क्या जानते हो इस ऑपरेशन के बारे में? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा जासूस कौन है? पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा जासूस कौन है? हाँ, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। पकड़ना शुरू करो, तुम्हें जल्दी से बताना पड़ेगा, नहीं तो पूरी रात हम तुम्हें मारते रहेंगे। कौन है तुम्हारा जासूस? कम ऑन जॉन, बताओ मुझे। सुनाई नहीं देता क्या? मुझे कुछ अच्छा, नहीं मालूम। कोई जासूस नहीं है। तुम किसके लिए काम करते हो? अगर बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो बताओ। तुम जितना चाहे मुझे मार लो, लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम किसके लिए काम करते हो? मुझे पता नहीं तो क्या जवाब दूं? मैं सिर्फ इंश्योरेंस बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम्हें एक इंश्योरेंस सेल्समैन हो ना? हाँ, इंश्योरेंस सेल्समैन हूँ। इंश्योरेंस सेल्समैन? हाँ, बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हारे पास भी लाइफ इंश्योरेंस होगा। मैं तुमसे कुछ ना कुछ तो उगलवाऊंगा, तुम जिंदा नहीं बचोगे अगर कुछ नहीं बताया तो। चलो बताओ मुझे। रुको, रुको। चलो बोलना शुरू करो। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम सही हो। मेरा नाम स्टीव व्हाइट है, ओके? मैं एक जासूस हुआ करता था, अब नहीं हूँ। मुझे जबरदस्ती एजेंसी से निकाला गया। मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन जैक नाइफ क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं अब किसी के लिए काम नहीं करता, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, मेरी बीवी है, एक बच्चा है, और यही सच है। हाय जॉन। कहाँ भाग रही है? मॉक, हेल्प! मॉक, मॉक, मॉक! नहीं, हेल्प! नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो! नहीं, मॉक, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे क्या चाहते हो? रेबेका, मेरी बात सुनो। क्या मार्क तुम्हारे साथ है? हाँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? सब्र रखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेबेका, क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है जॉन? हाँ, मेरे परिवार को कुछ मत करना, नहीं तो मार दूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम यहाँ किसी को आदेश नहीं दे रहे हो, हम दे रहे हैं, और हम तुम्हारे परिवार को तभी जाने देंगे जब तुम हमारे लिए कुछ करोगे। अगर मेरे परिवार को कुछ किया तो कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें मार दूंगा। जब होगा देखा जाएगा। मेरे परिवार को कुछ हुआ तो तुम इस कमीने को यहाँ से ले जाने का इंतजाम करो। तुम्हारे परिवार की जान अब तुम्हारे हाथों में। ये मामला मेरा तुम्हारा है। अगर मेरे परिवार को कुछ किया तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
तीसरा नंबर आ गया हो प्लीज। क्या ये वही आदमी है? नहीं। तुम्हें यकीन है? यकीन है। पीछे जाओ। नंबर चार आगे आओ प्लीज। क्या ये वही है? यही है। ये वही है जो खिड़की से तुम्हारे घर में घुसा था? वही है। तुम्हें यकीन है? यकीन है। नंबर चार को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर चलो। डिटेक्टिव वेस्टर्न, क्या आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? मैं बस अभी आया, एक्सक्यूज मी। बिल्कुल साफ है, इन्हें गोली मारी गई है। हमें 5 डेड बॉडीज मिली हैं और इतने सबूत कि 2-4 लॉकर भी उनसे भर जाएंगे। सर, मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि इसकी वजह से कितने पेपर वर्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा? हमें कुछ बच्चों ने फोन करके बताया कि पटाखों की आवाज आ रही है, लेकिन पता चला कि वो पटाखे नहीं थे। उन बच्चों को तो भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ेगी ना? शायद। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें कोई परेशानी है मुझसे? नहीं। काल, सबसे पहले अपने नाम का बिल्ला ठीक करो। अब दफा हो जाओ यहां से। जी सर। डिटेक्टिव वॉश। हाँ। मुझे विस्तार से बताओ। देखिए, सबूत काफी कम है और क्राइम सीन वाले अभी तक नहीं पहुंचे। उनके ड्राइविंग लाइसेंस, मौत का समय और हथियारों के आधार पर हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ था। फिलहाल के लिए इतना अंदाजा काफी है, काम चल जाएगा। चलो चलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास है जिम ली और डेमन रीव्स। जिम एक अकाउंटेंट था, डेमन बैंक में काम करता था। डेमन की बात करें तो उसका वॉलेट गायब है। अगर ये वॉलेट रखता था तो जिस आदमी ने इसका खून किया उसी ने वो वॉलेट लिया होगा। इसके सारे हथियार भी गायब है। इसके पास हथियार था? फिर इतनी मारकाट देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। और यहाँ पर है शॉन रीव्स, माइक पार और मार्टिन चैम्स। शॉन टीचर था, माइक जानवरों का डॉक्टर और मार्टिन एक नर्स था। अच्छा, इसमें नर्स भी था। और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें इसके बारे में जो जानकारी मिली है, मतलब इसके ड्राइविंग लाइसेंस से, उसके मुताबिक ये कोई पीटर मॉरिस है। लेकिन बात यह है कि जो पीटर मॉरिस हमें मिला है वो 10 साल पहले मर चुका है। बाकी की जानकारी जांच के बाद मिलेगी। और कुर्सी वाले आदमी के बारे में क्या जानकारी है? अब तक तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उसने अकेले ही यहाँ सभी लोगों को मारा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन है। एक बार उसके ब्लड, यूरिन और जो भी उसने खाया था उसकी जांच के नतीजे आ जाए तो ही कुछ पता चल सकता है। तो इन लोगों को उस आदमी ने पहले बुरी तरीके से पीटा और फिर भी अपने आप को छुड़ाकर इन्हें मारकर यहाँ से चला गया। तो हम इस केस को कल दोपहर के खाने तक के लिए बंद कर सकते हैं। बढ़िया। तुम हंस क्यों रही हो? ऑफिसर्स को ये कुछ बच्चों के पास से मिला। बच्चों के हिसाब से ये फोन ज्यादा महंगा नहीं है? यही बात तो ऑफिसर ने भी कही। हमने थोड़ी जांच की कि आखिरी कॉल कब किया गया था, तो वो समय बिल्कुल इनके मरने के समय से मिलता है। इसके अलावा हमारे पास किसी जॉन और रिबेका नाइल्स का पता मिला है, पर वहाँ इस नाम से कोई नहीं रहता। किसी पुलिस वाले को भेजा इस पते पर? हाँ, भेजा है। तो उनके लिए मदद भी भेजना, क्योंकि अगर वो जॉन नाइल्स है जो इस कुर्सी पर था तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्या लगता है ये कोई खुफिया ऑपरेशन था जो उल्टा पड़ गया? मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन इन बदमाशों की फेक आईडी जानकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। या वेस्टर्न,
सॉरी सर। कार्ल, डिटेक्टिव वॉश की मदद करो, मैं तुम्हारी बातें ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं। एक मिनट, मैं बाहर निकल रहा हूं, एक मिनट। हाँ जल्दी से बाहर निकलो, इस पूरे झमेले से निकलना हमें। हाँ अब सुनाई दे रहा है। नहीं मैं अंदर ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गया हूँ। मैरी, मुझे अंदर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, अब सुन सकता हूँ। सब ठीक है ना? मैरी, 911 को कॉल करो। मैं तुमसे इंप्रेस्ड हूं जॉन, तुम्हें अब भी काफी दम है। अगर मेरी फैमिली को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो गोडाउन में किया उसके बाद तो मुझे कोई शक नहीं है। सुनो जॉन, ये बहुत ही आसान है, वही करो जो हम कहें और जब कहें, ठीक है? समय की पाबंदी है इसलिए, और कोई चालाकी नहीं। तो मैं उनकी जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी जरूरत है, बताओ मुझे क्या करना है। मैं फोन करता रहूंगा। और हाँ जॉन, शायद तुम्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए इसी वक्त। डिस्पैच 15935, हम डॉसन की गली में पहुंच गए हैं। यहाँ सब कुछ शांत है, हम अंदर जाकर जांच करते हैं। संभल कर, दरवाजा खुला है। अपनी बंदूक फेंक दो, अपनी बंदूक, पीछे हटो, अपनी बंदूक फेंक दो, मैंने कहा अपनी बंदूक फेंक दो, अपनी बंदूक अभी फेंक दो। जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मेरे पीछे बताना, पागल मत बनो, जरा सोचो तुम क्या कर रहे हो। ये तो हमारी कार ले गया। ये लीजिए कैप्टन, आपके कार्यक्रम की सूची आपके रिमार्क्स के आखिरी ड्राफ्ट में। शुक्रिया रॉजर। वैसे कोई खबर CIA BT85 के कानून पर? जानते हो ना मुझे इस पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि निजी जीवन में दखलंदाजी ही मेरा सबसे मूल विषय है। उसकी एक कॉपी कुछ घंटों में आपके लिए ला सकता हूँ सर। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हारे पास मेरा चश्मा है? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, लगता है उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। Cheers. Mr. President, 5 minutes. Thank you, Roger. आओ मैं लगा देती हूँ। Ta-da. Oh, हो ही गया है। जानती हूँ मुझे इस तरह का शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं। जानती हूँ। क्यों ना तुम मेरी जगह चली जाओ। सब ठीक होगा। ऐसा तुम कहती हो। उप्स। इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान किसी
सोशल इश्यू पर लिपस्टिक लगाकर भाषण देने नहीं जा सकता। ओह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम भी ना। मुझे लगता है मुझे थोड़ी और मदद चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे उस जगह पर एक घंटे में मिलना। हाँ, पहुंच जाना। देखिए, मैं समझता हूँ क्या हुआ था। ये आदमी हमारे पास से ऐसे गुजरा जैसे कि हम है ही नहीं, और उसके हाथ में गन थी। उसके निशाने पर मैं था, वो मुझे ही नहीं हम दोनों को मार सकता था। ग्रीन, प्लीज बैठ जाओ। वाटर्स, पर हम सच्चाई नहीं बदल सकते कि हमारे पास एक गोडाउन है मरे हुए पुलिस वालों से भरा। सर, अपने आप से पूछिए, अगर ये आदमी इतना खतरनाक हथियारा है तो इसने हमें अपने हाथों से क्यों मारा, जबकि उसके पास गन थी। वो तो हमें आराम से मार सकता था क्योंकि उसके दोनों हाथों में गन थी। पता नहीं, यही तो हमें पता लगाना है। सर, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि ये आदमी गलत नहीं है। वैसे इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही आदमी है जो शक के दायरे में है। सवाल ये है कि जॉन नाइल्स कौन है। तुमने मुझे किन चीजों में उलझा दिया? हमारे पास खुफिया खबर थी कि कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों पर हमला हो सकता था। हम चाहते थे कि तुम हमें उनकी योजना के बारे में बताओ। तुमने खतरे के बारे में नहीं बताया, बस ऐसे ही भेज दिया। हमें सब बातें मालूम नहीं थी। तो तुम्हें सब बातें मालूम नहीं थी, तो अब लोग मरे हुए हैं और उनके पास मेरी फैमिली है। मैं माफी मांगता हूं। तुमने मुझे शेर के मुंह में डाल दिया। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। उन्हें पता है कि मैं अंदर का नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। मैंने ये किया क्योंकि तुम्हारा एहसान था मुझ पर। तुमने कहा कि इस ऑपरेशन में कोई जोखिम नहीं है, तो मेरा परिवार कहां पर है? वो मेरे परिवार को ले गए। जानता हूं और तुमसे माफी चाहता हूं। तुम मेरा साथ दो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे परिवार को वापस लाऊंगा। जिनकी तस्वीरें खींची थी वो इस आदमी को रिपोर्ट करते हैं, डेविड मरीनो। हम मिले थे, ये है कौन? उसे लोगों को मारने में मजा आता है। किसके लिए काम करता है? CIA के लिए। मजाक कर रहा। बारह बजे तैयार रहना। जेल से बाहर आ गया तो ये ऑपरेशन जैकनाइफ है। अब तक ये सिर्फ किताबें बातें थी जॉन, पर प्रेसिडेंट ने खुद मौत को दावत दी CIA को डीकमीशन करके, और अब वो सारा ब्लेम तुम पे डालना चाहते हैं। तो फिर मुझे इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, और तुम किसी की नजर में नहीं हो। तो ये हो रहा है। हाँ, पर हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझे छत पर उल्टा टांग देंगे और बीच बाजार में ऐसे ही छोड़ देंगे, समझे? जॉन, तुम्हें इस गलती को खुद सुधारना पड़ेगा। हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे, पर तुम्हें सबकी नजरों से बचना होगा। अब सुनो, अगर हालात बिगड़ गए तो ये तुम्हारे बचने का जरिया है। इसमें सब जानकारी है, प्रेसिडेंट और CIA के बारे में, मरीनों के बारे में, 9/11 के बारे में, और सारी खुफिया फाइलें। ये चीज तुम्हारी जान बचाएगी जॉन, तो तुम इसकी पूरी हिफाजत
अपनी जान से करना। थैंक यू, गुड लक। जल्दी चलो जॉन, मैं छत पर हूं। जॉन ठीक है, माइकल अमीन तुम ठीक हो? ये लो चाबी, गाड़ी नीचे खड़ी है, जाओ। ओके जाओ। वो हमारे कब्जे में है। हाथों पर चलो। मार्क, डैड, मार्क तुम ठीक हो? डैड, उसके जीने का प्रूफ मिल गया है। अगले 30 सेकंड तय करेंगे कि तुम्हारा परिवार जिएगा या मरेगा, इसलिए सब कुछ सच सच बताना, ठीक है? तुमने उसे क्यों कांटेक्ट किया? प्राइस मेरा ऑफिसर था जब मैं एजेंट था। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, सिर्फ उसके पास जा सकता था। और उसने तुमसे क्या कहा? गोडाउन में जो आदमी थे वो CIA के थे, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं उन सब में क्यों था। और बस इतना ही, तुम्हारे गुंडे आ पहुंचे। ठीक है, समय कम है इसलिए तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हें और कुछ भी मालूम हुआ? कुछ नहीं, प्राइस के कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, ना ही जैक नाइफ और ना ही नाइल्स का कोई जिक्र। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जॉन, तुम बिल्कुल वही करोगे जो हम कहते हैं, और कोई चालाकी नहीं, समझ गए? तुम्हारा परिवार ठीक रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ध्यान से सोचना जॉन।
सब तैयार मरीनो? हाँ सब ठीक है, जैसा जैकनाइफ में तय हुआ था वही करो। उम्मीद है तुम्हें याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि क्या दाव पर लगा है। हाँ 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 पता है, तुम मुझे मार डालोगे। सब पर निगरानी रखना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। जो बिल प्रेसिडेंट के पास है वो ना सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि ये बिल हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों को कमजोर बना देगा। तुम ये समझते हो है ना? हमारे दुश्मन सिर्फ बिना चेहरे वाले विदेशी नहीं है, अपने आंगन में भी सांप है मरीनो, भेड़िए दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। देश को बचाने के लिए अपने बस में जो कुछ है वो करना होगा। ये करने के लिए हम सिर्फ प्रेसिडेंट पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे निराश मत करना और ना ही इस देश को मरीनो। मैं तुम्हें फिर से कॉन्टेक्ट करूंगा। कौन? जॉन, जो हम कहते हैं वही करो तो सब जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ गया। रोजो, मैं BT85 पढ़ रहा हूँ और सब ठीक लग रहा है। ये तमाशा खत्म होते ही मैं साइन कर दूंगा। ध्यान में रखना कि ये डायरेक्टर को पता हो कि मैं साइन कर रहा हूँ। ये जल्दी लागू नहीं होगा, इसलिए चाहता हूँ कि परिवर्तन शांति से हो, वही सबके लिए ठीक रहेगा, है ना? मैं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। तो मेरी बात सुन सकते हो ना? ईस्ट में 42nd स्ट्रीट की तरफ बढ़ो, नॉर्थ की ओर जाओ। बिल्डिंग में घुसो। तो तैयार हो इसके लिए? यस सर। पोशर जगह पर है, हम तुम्हें लोकेशन फॉक्सट्रॉट पर मिलेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी कभी एक बड़ा बलिदान देना जरूरी होता है। तुम्हारा लीडर कमजोर है और तुम युद्ध में हो, खुद को बचाने के लिए उसे मारना होगा। इस सबसे बच नहीं पाओगे तुम। लोग तो अभी तक बहस करते हैं कि ऑसवाल्ड अकेला था और उसे गोली चलाई भी थी या नहीं, पर आखिरकार इसे क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट तो मर चुका था। उसकी राइफल उठाओ। अगर ये नहीं कर सका तो? नहीं से काम नहीं चलेगा। मेरी राय में अपने परिवार को बचाने के लिए तुम इससे अच्छी कोशिश कर सकते हो। समय बीत रहा है जॉन, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुम सबसे बेहतरीन हो। निशाना लगाओ जॉन।
निशाना लगाओ जॉन, नहीं तो तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। चुप रहो, बस गोली चलाओ जॉन, डरपोक मत बनो। नहीं सर, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं आगे जाकर एक बार फिर से देख लेता हूं। काम हो गया, प्रेसिडेंट मर चुका है। मैंने अपना काम पूरा किया, अब मेरे परिवार को छोड़ दो। तुम यहाँ आदेश नहीं दे रहे हो, समझ गए ना? अगर मेरे परिवार को नहीं छोड़ा तो मैं टीवी स्टेशन पर जाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या किया और क्यों किया। तुम्हें लगता है कोई तुम पर विश्वास करेगा, खासकर जो तुमने किया उसके बाद? इतने जोर से बोलूंगा कि उन्हें सुनना पड़ेगा। मुझे चाहते हो तो उन्हें जाने दो। जॉन, तुम कोई सौदा करने की हालत में नहीं हो। उसने फोन काट दिया। बच्चे को छोड़ दो, इसका बाप तो शायद ऐसे ही मिल जाए। अपने बाप को ढूंढ निकालना बच्चे। किसी को पता चला जॉन कहाँ है? नहीं सर। जाओ आगे बढ़ो। चलो बच्चे, दिखाओ तुम्हारा बाप कहाँ है। कुछ दिखा? नहीं, टारगेट नहीं दिख रहा है। मार्क, इस तरफ आओ बेटा। ठीक है, जाने दो, बच्चे को गोली मार दो। यहाँ जाओ बेटा। मार्क, 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 आ जाओ। कुछ नहीं। मैंने गोली चला दी। Oh my God! मैं $400 एस्प्रिन के लिए नहीं देने वाली। $400 एस्प्रिन के लिए? $400? ये कोई मजाक है क्या? मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है। और सस्ते हेल्थ केयर का क्या हुआ? बेहतर होगा तुम अपने सुपरवाइजर को बुलाओ या प्रेसिडेंट को ढूंढो। किसी को तो यहाँ आकर मुझसे बात करनी होगी, आज ही, नहीं तो आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैम, मैं यहाँ नया हूँ। रिसेप्शनिस्ट नीचे खाना खाने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मुझे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर को बुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने कहा डॉक्टर चाहिए अभी। तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। डैड, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया। चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पर हूं बेटा। गो
गोली से घायल हुए लोगों के लिए यही तरीका है और ये जरूरी है कि हम एक रिपोर्ट बनाए। तुम समझ गए ना? हाँ समझ गया। तुम्हारे नाम से शुरू करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हमें रिपोर्ट बनानी ही होगी। मैं कंपनी की पॉलिसी समझता हूँ, लेकिन एक बात समझो, मेरा बेटा घायल है, उसे गोली लगी है, समझे? सर मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, ठीक है? मुझे ये सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए। ठीक है चलो करो। सिक्योरिटी, यस आपके लिए है। मेरे लिए? हेलो। हे जॉन, मार कैसे है? एक मिनट रुको, मेरे डैड बोल रहे हैं, उन्हें इसके बारे में नहीं पता। मुझे एक मिनट अकेला छोड़ दोगे प्लीज? हाँ लेकिन जल्दी कीजिए। आपका शुक्रिया। हाँ बोलो। जॉन पता है ना इसका अंत कैसा होगा? मैंने वो सब किया जो तुमने कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से जॉन, तुम्हें पता है ना गार्ड सब सुन लेगा, ठीक है? उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम तो नहीं होना चाहते ना? हाँ सही है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अब तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, फिर हम तुम्हारे परिवार को जाने देंगे इसी वक्त। अगर मेरी फैमिली को कुछ किया तो? हाँ जानता हूँ मुझे मार डालोगे। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है, मेरे नहीं। पुलिस रास्ते में है और तुम्हारे परिवार नहीं चाहेगा कि तुम गिरफ्तार हो जाओ। अब उस गार्ड को संभालो और उसका फोन ले लो, ठीक है? हाँ फिर फोन करूंगा, बाय। नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ ही हूँ। हाँ वो जानती है। हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा डैड, सच कह रहा हूँ। सर कैप्टन आपसे मिलना चाहते हैं। कैसे याद किया कैप्टन? बैठ जाओ। तुम्हारा आदमी वांटेड लिस्ट के पहले नंबर पर है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि आज सुबह प्रेसिडेंट फोर्ट पर जानलेवा हमला करने वाला अमेरिका का जॉन नाइल्स पहचाना गया है, वो मुख्य सस्पेक्ट है। जानकारी मिली है कि नाइल्स जो स्टीवन व्हाइट के नाम से जाना जाता है, जो पहले खास दल का जासूस था, जिसने बाद में गवर्नमेंट के एंटी टेररिस्ट यूनिट में भी काम किया था, और जानकारी हासिल करना बाकी है। हमें वो मिल गया था, उसका फोन भी मिला था, वो भी मिल गया। बात हाथ से निकल जाएगी, हर अफसर हर एक सरफिरा देशभक्त उस आदमी को ढूंढ रहा होगा। अब उस आदमी का जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है, हमें उसे सबसे पहले पकड़ना होगा। कैप्टन हम पर प्रेस की कड़ी नजर होगी। मुझे परवाह नहीं प्रेस क्या कहती है, उस गद्दार को कहीं से भी पकड़ कर ले आओ। सुना तुमने? जिंदा या मुर्दा मुझे परवाह नहीं, किसी भी तरह से ले आओ उसे। समझ गया कैप्टन, अब दफा हो जाओ यहां से। वार्डर्स अंदर आओ जल्दी। बैठ जाओ। आज सुबह प्रेसिडेंट फोर्ट पर जानलेवा हमला करने वाला अमेरिका का जॉन नाइल्स पहचाना गया है। जानकारी मिली है कि नाइल्स जो स्टीवन व्हाइट के नाम से जाना जाता है, जो पहले खास दल का जासूस था, जिसने बाद में गवर्नमेंट के एंटी टेररिस्ट यूनिट में भी काम किया था, और जानकारी हासिल करना बाकी है। हमारा आपस में समझौता था। माफी मांगता हूँ, I'm sorry। नाइल्स प्रेसिडेंट को मारता और तुम नाइल्स को, उसे छत पे जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। मरीनो कोई नहीं जानता नाइल्स कहाँ है और किससे बात कर रहा है, और अगर उसने बकना चालू किया तो CIA को हटाने की बात तो छोड़ो, हम खत्म हो जाएंगे, समझे? ये मैटर जल्दी क्लोज हो जाएगा। हाँ वरना हम पर मुकदमा चलेगा, कुछ साल हमें जेल में बिताने पड़ेंगे, समझे? हमें कुछ करना पड़ेगा। फिक्स इट मरीनो। क्या बकवास है ये? फिक्स इट। दांत तेरे की। हमें उसके ऑप्शंस हटा देने पड़ेंगे, एक एक ऑफिसर को उसके पीछे लगा दो, बाकी सारे काम बाद में होंगे।
किस बात की राह देख रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, डिटेक्टिव वेस्टर्न पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी को ढूंढ रहा हूं। से ऑर्डर दे रहा है। जॉन नाइल्स के पास ऐसा क्या खास है जो उसे छुपाने के लिए जगह चाहिए? एलएपीडी, मेरी सीक्रेट सर्विस से संपर्क करवाओ। जरा ठहरिए, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ। हेलो, मैं डिटेक्टिव वेस्टन। मैं उस आदमी के बारे में छानबीन कर रहा हूँ जिसने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डिटेक्टिव? हमें जानकारी मिली है कि जॉन नाइल्स ने काफी सारा गोला बारूद एक गोदाम में रखा है। ये कैसे मुमकिन है जबकि सारी पुलिस फोर्स और खुफिया एजेंसी उसके पीछे लगी है? इन सभी बातों के बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त ये जानना ज्यादा जरूरी है कि उसे इतना गोला बारूद किस लिए चाहिए। देखो, मुझे प्रेसिडेंट की हालत के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, तो ये मानकर चलते हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं। चिंता इस बात की है कि जॉन नाइल्स उन्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगा। उनकी हालत गुप्त रखी गई है। मैं आपका सुझाव ध्यान में रखूंगा। तसल्ली रखिए कि प्रेसिडेंट काफी सुरक्षित हैं सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी के हाथों। हमें पुलिस वालों की दखल अंदाजी और विचार नहीं चाहिए। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। प्रेसिडेंट को गोली लग चुकी है और तुम लोग बढ़िया काम कर रहे हो। तुम सबको बधाई हो। बेवकूफ गधे। पीट बोल रहा हूँ। पीट, मैं वेस्टर्न। मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। गोदाम के धमाके में जो मरे उनके बारे में क्या खबर है? धमाके की वजह से कुछ ज्यादा नहीं मिला। जो कुछ बचा है उसे ढूंढने में काफी समय लग जाएगा। और तुमने जो नाम दिए थे उनकी हमारे कंप्यूटर में कोई जानकारी नहीं है। पार्किंग के जुर्माने की भी नहीं। आदमी कुछ ज्यादा ही शरीफ है।
CIA की मदद क्यों नहीं लेते? तुम्हें लगता है वो गड़े मुर्दे हैं? कोई तो क्लू होगा। काश होता वेस्टर्न, लेकिन उन तक पहुंचने का मेरे पास जरिया नहीं है। पीट, तुम्हें कुछ कानून तोड़ने पड़ेंगे, समझ गए? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए करता हूं। थैंक्स। किसी को मेरे लिए जॉन को ढूंढना होगा। सर, क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बात कर रहा हूं? लगता है वो मिल गया। मुझे ये आदमी मुर्दा चाहिए। ठीक है सर। उठो, उठो। सर, उसके बारे में खबर मिली है। नाइल्स को दो सेपरेट कैमरास पर देखा गया है। बहुत बढ़िया, आखिर कुछ तो मिला। रेबेका, जल्दी भागो, टूटी हुई खिड़की तक जाओ, जल्दी करो, मैं तुम्हें वहां पर मिलता हूं। बहुत ही बकवास चाल थी, निशाना चूक गया तुम्हारा। प्रैक्टिस छुट्टी हुई है ना? बकवास, तुम्हें लगा कोई दूसरा शूटर भी है? तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ जॉन, इससे हालात नहीं बदलते, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे ले जाओ, हिरासत में लो इसे, अच्छी तरह से पूछताछ करनी है इससे। मैं इसे संभालता हूँ, अब चलो यहाँ से, जल्दी। बहुत स्मार्ट हो, हाँ? जॉन नाइल्स, मैंने ये सब तुमको बचाने के लिए किया। खुशकिस्मत हो कि वहां किसी ने तुम्हें गोली नहीं मारी। जानते हो किसी का दिन कैसे खराब किया जाता है जॉन? मैंने फोरेंसिक वालों से बात की थी, उनको कम से कम एक साल लग जाएगा तुम्हारे कारनामों की रिपोर्ट बनाने। हाँ, अगर वो कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मिल जाएंगे। सच उनके सामने है, मैंने तो सिर्फ सबका ध्यान खींचा, वो कुछ छुपा नहीं पाएंगे। ये कहानी अच्छी है, पर कोई भी बता सकता है कि जिस आदमी ने प्रेसिडेंट को गोली मारी वो CIA के खिलाफ जंग में है। मेरा परिवार ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्हें 24 घंटे सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अस्पताल में मेरे बेटे मार्क को भी, समझे? हाँ, मैंने हॉस्पिटल में एक आदमी को लगा रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ बातें बनाकर इन झमेलों से बाहर निकल पाओगे। मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर है, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ग्यारह
ये यूनिट 3421 है। व्हाइट हाउस से खबर आई है कि प्रेसिडेंट की सर्जरी हो चुकी है, वो ठीक है। सारी यूनिट्स को अभी हॉस्पिटल भेजा जाए। तो वो नहीं मरे? नहीं, वो मरे नहीं है, क्योंकि मैं सिपाही हूँ, कातिल नहीं। लेकिन अच्छा हो कि उस दिन छत पर मैं था, नहीं तो वो मर चुके होते। ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो मेरी जेब की तलाशी ले लो, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करता हूँ। जॉन को ऊपर भेजने का टाइम आ गया है। एक बार जॉन मर जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रेसिडेंट जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। सुनो मेरी बात, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ मजदूर हैं जो रास्ते में काम कर रहे हैं, शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूं, दाल में कुछ काला है। ए, सुनो, हमें रास्ता दो। पुलिस डिपार्टमेंट, हमें आगे जाना है। ए, थोड़ी जगह बनाने दो, पीछे जाओ। वेस्टन, 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 हे वेस्टन। आगे चेक करो। बुरा है, मुझे गोली लगी थी। तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, फिर भी दुखता है। मुझे FBI में काम करना चाहिए था, यहाँ आकर फंस गया मैं। तो तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मुझे नहीं लगता वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे जॉन। अब आगे क्या सोचा है? अस्पताल जाकर बेटे को बचाऊंगा, प्रेसिडेंट को मरने से रोक लूंगा, यही सोचा है। और तुम हर धोखेबाज पुलिस वाले को मारते रहोगे? एक ही दिक्कत है, हर तरफ मेरा चेहरा छाया हुआ है, मैं सीधे दरवाजे से नहीं जा सकता। समझ गया, एक मिनट। माइक, तुम्हारा वो रिश्तेदार अभी फायर ब्रिगेड में है? वेस्टन, अभी सीक्रेट सर्विस वालों का संदेश आया है, वो प्रेसिडेंट को आज हटा रहे हैं। डेविड के पास ये आखिरी मौका है, एक बार प्रेसिडेंट एयरफोर्स वन में सवार होकर DC पहुंच गए तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। उनके पास इकलौता मौका है अस्पताल में मारने का। नहीं, उनकी मंजिल पर कड़ी सुरक्षा उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। शायद उन्हें उन तक पहुंचना नहीं है। क्या मतलब? शायद उनके नजदीक पहुंचना है। कौन से मंजिल पर है? तुम्हारे बेटे वाले। चलो अब तैयार हो जाओ, इसके अंदर जाओ, पैर ऊपर करो। आराम से,
संभाल के। ठीक है, वहां से पकड़ो। तैयार? एक्सक्यूज मी, मैं डिटेक्टिव वेस्टर्न पुलिस डिपार्टमेंट से। हम एक कैदी लाए हैं जांच के लिए, इसके पहले कि हम उसे जेल में डालें, आप मेरी मदद करेंगी? इस तरफ आइए। ओके, तो फिलहाल हम इन्हें ए रूम में रखते हैं। मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, बाद में हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। चलो आ जाओ जल्दी। मैडम रास्ते से हट जाइए, प्रेसिडेंट अगली मंजिल पर हैं। चलो नीचे बैठ जाओ। चलो धत तरीके। फायर अलार्म, हम अंदर कैद हो जाएंगे। तुम सब लोग बढ़ जाओ और यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। यस सर, चलो 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 जल्दी करो। फायर अलार्म, तुम सीढ़ियों की तरफ जाओ। हेलो, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ, यहाँ पे फायर अलार्म बज रहा है। कमरे और मंजिल को पूरी तरह सुरक्षित करो, मुझे 5 और एजेंट चाहिए। जगह सुरक्षित है। मैं डिटेक्टिव वेस्टर्न LAPD से हूँ। हम पर हमला हो रहा है। हम सेंट रोज हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। हर तरीके की मदद भेजो, यहाँ हर एजेंट दुश्मन है। जल्दी मदद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और क्या तुम्हारी? अगर मैं पहले प्रेसिडेंट तक पहुंच गया तो हमें थोड़ी उम्मीद है। तुम्हें यकीन है? मुझे इस बात पर यकीन है, क्योंकि अगर हम नहीं पहुंचे तो हम गए काम से। क्योंकि पता है क्या, किसी नौसिखिए को लगेगा हम मार कर अंदर घुस रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह रास्ता सेफ है जॉन। मुझे एक ही दिन में 2 बार गोली लग चुकी है जॉन। तुम मरोगे नहीं। तो फिर रुके किस लिए हो? जाओ उस कमीने को पकड़ो। बाप रे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो पीछे हटो जॉन, मैं कहता हूँ वहीं पर रुक जाओ। फायर अलार्म बजाने की तरकीब अच्छी थी, मैंने वो सोचा नहीं था, पर अब तुम मेरे हाथ यहाँ फंस गए हो। और ये बम है, तुम्हारी गाड़ी में इतना बारूद है कि पूरी जगह को उड़ा सकता हूँ। मुझे बताने दो कि कल की सुर्खियाँ क्या होंगी। बकते जाओ। प्रेसिडेंट को मारने की नाकाम कोशिश के बाद जॉन ने CIA एजेंट, खुफिया विभाग के अफसर और पुलिस डिपार्टमेंट के काफी लोगों को मार गिराया। हॉस्पिटल लौटने पर उसने आत्मघाती हमला किया, जिसमें उसके खुद की, उसके बेटे की और प्रेसिडेंट की मौत हो गई। एक आत्मघाती हमला, ये तुम्हारा प्लान बी है? कभी कभी एक बलिदान देना जरूरी होता है। और तुम्हें पता है क्या, तुम देशद्रोही और मैं शहीद कहलाऊंगा।
रुको जरा, मिल गया। अरे वहां क्या कर रहे हो? हाँ, शायद हमारे यहाँ पेंटर पैदा हुआ है, जरा देखें। डैड ने बुरे आदमी को मारा। हाँ, डैड ने बुरे आदमी को ही मारा। वाओ, क्या कहा उसने? कह रहा है कि डैड ने बुरे आदमी को मारा। वाओ, ये तुम्हारा ही बेटा है? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा तो ये तुम्हारा बेटा है ना? पता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है डैडी के इन दो तस्वीरों को, मारधार वाली, हाँ, इनको लेकर किसी खास जगह पर रखनी चाहिए, और इस वाली को फ्रिज पर। ना, मेरे ख्याल से इससे फ्रिज पर। हाँ, खास जगह। अच्छा ठीक है, तो मैं इन दोनों को ले जा रही हूँ और इस वाली को फ्रिज पर लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। यस। हाय प्राइस, जरा टीवी ऑन करो और चैनल 7 लगाओ। चैनल 7? गुड मॉर्निंग अमेरिका, आज हम दो आदमियों को सम्मान देने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ दृढ़ता का परिचय दिया बल्कि वीरता दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने मेरी और लाखों देशवासियों की जान बचाई। अमेरिका को आतंकवादी हमले से बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अरे वेस्टर्न तो बहुत ही अच्छा देख रहा है, अगर तुमने उसको सारा श्रेय जो दिया। और क्या तुम्हें मेडल देते प्रेसिडेंट को गोली मारने के लिए? वैसे भी तुम दोनों अच्छी जोड़ी बन गए हो। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जो वैसा निशाना लगा सकते थे। प्रेसिडेंट को आभारी होना चाहिए कि वो मैं था और मुझे ये पुरस्कार मिलना चाहिए। पता है वो गोली का टुकड़ा मुझे कितना चुभ रहा है? अच्छा, अपनी नौकरी से तंग आ गए हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारी खूबियों का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अंदाजा लगाने दो। अच्छा, तुम सारा श्रेय दे दोगे? हाँ बिल्कुल। इसके बारे में सोच के बताना जॉन। ठीक है, तुम्हें बिना बात की शुक्रिया। चलो बाद में बात करते हैं। अच्छी लग रही हो, क्या दिख रही हो? आज भी तुम वैसी हो जैसी उस दिन थी। नहीं। मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा कैप्टन जेक बार्लो और डिटेक्टिव थॉमस वेस्टन से, दो सच्चे अमेरिकन। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं अपना काम कर रहा था। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। थैंक यू सर। हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम सही जगह पर और सही वक्त पर आपको मिस्टर प्रेसिडेंट और देशवासियों की सुरक्षा कर सके। 2016 के मेयर के चुनाव के लिए बार्लो को याद रखना। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस द अमेरिकन पब्लिक।